हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग में वीडियो जाएगा इसलिए मॉर्निंग विश कर रही हूँ, लेकिन अभी इवनिंग का टाइम है, 6 बज रहे हैं और हमें जाना है मार्केट। सुबह से मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो बहुत गर्मी हो रही है, कल से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने सोचा था कि आज आपके साथ अपनी समर शॉपिंग करूँगी, शेयर करूँगी। कल भी गए थे वैसे अलग अलग टाइम पे, बहुत पहले से ले रखी है, बट मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ कि हमने क्या क्या लिया, क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया था नहीं। और तो बस यही था। और हनु का बर्थडे आने वाला है, तो इसने परेशान किया है कि मुझे गिफ्ट पहले ही दिलाना, क्योंकि हम हाँ मायके जाएंगे ना, तो इसको पहले से ही था कि मुझे पहले दिलाना है। तो कल हम गए थे, लेकिन कल इसे पसंद नहीं आया। इसने एक्चुअली इसने दूसरी शॉप में देखा था। हम आप डिस्टर्ब नहीं करो ना। तो यही था कि और हमने सोचा कहीं और देखा, हम वहाँ ले गए। उसने मना किया कि नहीं मम्मा यहाँ नहीं, वहाँ देखा। इसको पता ही नहीं था कहाँ। फिर मैंने कहा वहाँ आंटी की दुकान में देखा था कि हाँ। फिर इसने गए वहाँ तो वो बिक चुका था, तो फिर आज फिर जाना है इसके लिए शॉपिंग करने। और वो दुकान तो बिल्कुल यहीं पर थी और हम इतनी दूर चले गए थे। चलो कोई नहीं, तो चलो मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ शॉपिंग। सबसे पहले बर्थडे बॉय की करते हैं, तो ये टी शर्ट और मैंने वॉश भी कर दी, इसलिए आपको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि लाओ मार्केट से तो एकदम पहना नहीं जाता है थोड़ा। हाँ, एक भी ये मम्मी ने छाप कुछ नई टी चलाई, मैं चेक किया था, बहुत अच्छी है। फर्स्ट आर तो ये है, ये बर्थडे के दिन की ला रखी। मैंने कैप्री वगैरह नहीं ली क्योंकि बहुत है। तो ये है फर्स्ट, और थोड़ा मैंने बड़ा साइज लिया है क्योंकि इसकी सारी ना एकदम से टाइट हो रही है, मतलब इसकी क्या सभी बच्चों की होती है। तो ये है एक है, और ये तो पहन भी ली इसने एक बार। तो एक है, और ये सब शॉपिंग ना अलग अलग जगह से है, बट मैंने कहा जब सब हो जाएंगी तो बताओ। तो ये तीन इसकी टी शर्ट है और ये कैप्री है, और दो कैप्री मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से, मैंने आर एफ के मंगाई थी, बट ये हनु पे ही आ गई थी। एक ये है, और कपड़ा बहुत अच्छा है, बिल्कुल इसके ये प्रिंट भी नहीं गया है, बट छोटा आ गया साइज मतलब। वैसे मैंने 10-11 साल का मंगाया था, वैसे आर एफ पे आ रहा है, शॉर्ट्स की तरह से आ रहा है आर एफ पे, बट फिर यही है कि मतलब फट जाते हैं ना जैसे नीचे से। तो तीन कैप्री, तीन टी शर्ट, ये हनु की हो गई, इसके बाद आर एफ की। तो आर एफ की फर्स्ट टी शर्ट ये है, और आर एफ की सिर्फ टी शर्ट ही है, और आर एफ की और पापा की टी शर्ट के कलर तो सेम ही है। आपने पहने हुए भी दिखा होगा शायद ये वाली टी शर्ट, तो क्योंकि इसने पहन ली थी, मतलब ले आए थे हम पहले तो, लेकिन मैंने यही था कि शेयर नहीं किया था। तो अब इसके पापा की करते हैं, फर्स्ट टी शर्ट ये है, आपके पापा की एक जैसी है, और एक अरे वो ग्रीन वाली का एक दूसरी भी एक ग्रीन, वो शायद धुली भी है, पर धुले तो सारे ही थे क्योंकि आके एकदम से पहनाए नहीं जाते हैं। तो ये है शॉपिंग, कैप्री भी है वैसे, कैप्री कहाँ है आपकी? अच्छा पता नहीं कहाँ है, चलो छोड़ो। बस आर एफ की कैप्री नहीं आई, और सोचो न्यू है वैसे, है उसके पास बट न्यू नहीं है। क्या हुआ है? और क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तो यही है, तो अभी जा रहा है शॉपिंग करने। तो शॉपिंग मतलब इसके लिए सिर्फ गाड़ी लेनी है और कुछ नहीं, और मेरी तो आपने देख ही ली थी, ये कुर्ती वगैरह के कपड़े लिए थे, ऐसा कुछ तो लिया नहीं मैंने, क्योंकि गर्मी में तो बब्बा कपड़े, मतलब ये लगता है यार क्या पहने पहन, और इतनी गर्मी हो रही कल से बहुत ज़्यादा, और वोल्टेज भी ने भी परेशान कर रखा है, कूलर भी ना ढंग से नहीं चल पा रहा है, रात को 12-1 बजे के बाद कूलर चलता है। तो बस यही सब है, और
आज ब्लॉग शूट नहीं किया, तो चलो आपके साथ मैंने कहीं ये शेयर करती हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपको बाद में, बच्चों को तैयार करती हूँ, तो चलते हैं हमारे। ये हन्नू का गिफ्ट। हन्नू आप कैसा लगा, कैसा लगा आपको? ये हन्नू का गिफ्ट एरोप्लेन जो जमीन में चलता है। कैसा लगा आपको गिफ्ट? अच्छा। पसंद आया? हाँ। कितने का है? बहुत महंगा है। कितने का? पता ही नहीं। पता ही नहीं है और पसंद आ गया। चलो पसंद आ गया ना, आपको पसंद आना चाहिए बस। तो फ्रेंड बन रही है कटहल, कटहल की सब्जी बना रही हूँ, रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी। तो फ्रेंड ये हो गई है हमारे सोने की तैयारी और बिछ गया है, ये है सोफ़ा कम बेड। और हमने ना सेटिंग कर दी है चेंज, क्योंकि ये ऊंचा हो रहा था बेड वहाँ पे, और यहाँ पे ये मतलब सोफ़ा कम बेड नीचे हो रहा था, तो हवा नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने ये ऐसे कर दी सेटिंग। और हन्नू सो गया है, हन्नू को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, तो ऐसे बिछा लेते हैं हम इसमें और फिर सो जाते हैं। सो फ्रेंड हो गई है सोने की तैयारी, देख आज मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हम खोल के बेडशीट बिछा के फिर इसके ऊपर सोते, और वो चेंज हमने कर दी सेटिंग क्योंकि ना हवा नहीं आ रही थी, ये बेड नीचे हो रहा था और मतलब दीवान बेड ऊपर हो रहा था, तो इस वजह से हवा नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने चेंज कर दिया, आज ही कर दिया था। और तो ये मुझे चिढ़ा रहे हैं कि वीडियो बना लो आज भी, मैंने कहा नहीं, बोले हाँ लोग बोलेंगे क्या है, इसका काम यही है चेंज करती रहती है इधर से उधर बस। तो फिर मैंने कहा, और आज बनाई थी कटहल की सब्जी बट शूट ही नहीं कर पाई मैं, एक तो लाइट भी नहीं रहती, वैसे भी रिंग लाइट है मेरे पास, बस यही था कि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा कौन इतना ताम झाम करे, तो इस वजह से मैंने नहीं शूट किया, और थोड़ा सा शूट किया उसके बाद भूल गई सब्जी मिक्स करी और भूल गई, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, मतलब आटा गूंदे थोड़ा सब्जी बना, पहले प्याज टमाटर सब्जी काट ली अंदर, फिर गई छौंकने, फिर आई आटा गूंदने अंदर, फिर सब्जी रोटी बनाने गई मतलब थोड़ी देर बाद, तो बस यही था। तो करते हैं वीडियो का एंड, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।